केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। दीपावली का पर्व नजदीक है और इसको लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन दीपावली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं इसको लेकर सवाल उठता है कि इससे पर्यावरण को खतरा होता है और वायु प्रदूषण का भी बढ़ जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि केवल हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर ही क्यों सवाल बार बार उठाए जाते हैं। अब दीपावली, पटाखे और इस मान्यता को लेकर जो है, अब आपको RSS के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने इस पर एक सभा के दौरान बातचीत की। आइए सुनाते हैं कि मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। पटाखों की बात है, पोल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे, और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था, ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग, देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देशकाल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है, इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप घर में विचार करो, योग्य विचार करो, युक्त विचार करो, और जाके लोगों को बताओ कि मैं विद्वान हूं, मैं कहता हूं बदल दो। ऐसा मत करो, समाज मन को बदलना पड़ता है, समझाओ, अनुनय करो। बात करते समय हिंदू धर्म की निष्ठा, ऐसा क्यों करते हो? अब ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, इसका विचार करना चाहिए तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए, और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए, इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?